नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। पता है क्यों? आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ऑब्जेक्ट की सेटिंग बताने वाला हूं, जैसे कि हम स्क्रॉलिंग वाले ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि वीडियो हम बना रहे हैं, वीडियो हमारा चल रहा है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो पीछे स्क्रॉल कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, वो हम कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, हम ऐसी वीडियो बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हमें 16:9 सिलेक्ट कर लेना है। अगेन हमें सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ तक देखा कि इसमें बेकार सा पार्ट आ रहा है, इसे हमें अभी नहीं रखना है, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया एंड इसे थोड़ा सा बड़ा किया। इसे हम देखते आए कि यहाँ तक मैं जब हाँ ये ठीक है, यहाँ तक रख लिया और इसे कट करके, ठीक है, अब इतना वीडियो मिल गया। अब हम चाहते हैं एक हम ऑब्जेक्ट ऐड करें। लेयर पर गए, मीडिया पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अपने ही चैनल का एक सिंबल ले लिया, जो मेरे सेकंड चैनल का है, ठीक है। तो इसे आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके कर दिया, ठीक है। इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ तक अगेन। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि ये जो है वो यहाँ से चल के यहाँ तक जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ फिर से आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, ज़रूर पॉसिबल है। आप वीडियो देखते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना, आपके कमेंट का आंसर मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं एक डिलीट के ऑप्शन के ऊपर में यहाँ पर दिख रहा है ना की का ऑप्शन, इस पर हमें सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो लेयर है इसे स्क्रॉल करना है सबसे पहले, ठीक है। हमने थोड़ी सी इसे स्क्रॉल किया यहाँ तक, ठीक है। अब हमने इसे ऑब्जेक्ट को उठाया और इसे हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना चाहते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। मैंने जैसे बताया था, मैं वैसे करके दिखा रहा हूँ, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया और इसे अब मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसे हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया ऐसे करके, अब मैंने इसे ऊपर कर दिया, इसे और आगे बढ़ाया, इसे और ऊपर कर दिया, इसे और आगे बढ़ाया, इसे यहाँ पर ले आए, इसे और आगे बढ़ाया, इसे यहाँ पर ले आए, ठीक है दोस्तों। इसे सबसे लास्ट में ले आए, ये ले आए, इसे फिर यहाँ ले आए, फिर ये ले आए और इसे लास्ट में आके यहाँ पर क्लिक कर दिया, डन। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट स्क्रॉल कर रहा है। ऐसे ही टेक्स्ट लगाया जाता है, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते हो टेक्स्ट चला जाता है तो आप ऐसे लगा सकते हो टेक्स्ट, ठीक है। अभी हम वो भी आपको बता देंगे कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, बढ़िया, मज़ा आ रहा है दोस्तों, अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। अब हम टेक्स्ट को आपको बता देते हैं कैसे लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हम एक टेक्स्ट के लिए यहाँ पर गए टेक्स्ट पर, यहाँ पर मैंने लिखा प्लीज़ सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, ठीक है। ये मेरा सेकंड वाला चैनल था, इसे आप सब्सक्राइब कर लो। इसे मैंने यहाँ पर लिया और इसे सबसे पहले मुझे करना है बैकग्राउंड कलर दे देना है। बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने इसे ब्लैक कलर दे दिया, उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से 100% कर दोगे तो ब्लैक बिल्कुल दिखेगा। और हमने इसका जो कलर है वो हमने यहाँ से येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को बड़ा कर लेना है, ठीक है। एंड अगेन हमें क्या करना है, ओके कर देना और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करके यहाँ तक ले आना है, ठीक है, यहाँ पर ले आए, ओके किया। हमने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को एंड अगेन हमें की पर क्लिक करना है, जो राइट ये लेफ्ट हैंड की साइड यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन के बाद की दिख रही है ना एक चाबी सी, यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगेन हमें क्या करना है, इसे थोड़ा आगे करना है, ये ऐसे आगे लेते चले आना है, ठीक है दोस्तों, ले आए, फिर इसे थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर इसे यहाँ ले आए, फिर हमें स्क्रॉल करना है, फिर हम इसे ले आए, फिर हमें स्क्रॉल करना है, फिर हम इसे ले आए, फिर हमें इसे स्क्रॉल करना है, फिर हम इसे ले आए, इसे फिर हमें स्क्रॉल करके यहाँ पर लास्ट में ले आना है और अगेन यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। एंड अगेन हमें यहाँ पर गए और लास्ट में गए एंड अगेन हमने क्या किया, इसे ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं, मैंने स्लो कर दी थी स्पीड, अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप स्पीड रखोगे वैसे ही ये चलेगा, है ना दोस्तों। अब ये धीरे धीरे जा रहा है दोस्तों, और हम स्प्रे ये देखिए गया, मैंने लास्ट में स्पीड बढ़ाई थी तो लास्ट में ऐसे ही चला गया। तो आप इसे ऐसे भी स्क्रॉलिंग वाले टेक्स्ट भी लगा सकते हैं।
वीडियो कैसा लगा, जबरदस्त था ना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा 100% से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं काइन मास्टर की नेक्स्ट सीरीज पर, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा गेम कैसे बनाएं काइन मास्टर में। हाँ जी दोस्तों, सही सुना, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे गेम बना सकते हो आप काइन मास्टर में। हाँ जी, तो ये वीडियो आप अभी सब्सक्राइब कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।